أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सभी दर्शकों का दोनों टीमों का और जितने भी हमारे आज के मेहमान हैं उन सब का मैं खैर मकदम करना चाहूंगा। वीरी के तारबल क्रिकेट ग्राउंड में आज यहां पे वीरी प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल खेला गया। जो वीरी सपोर्टर्स ने अपने नाम किया तो इनके लिए जोरदार तालियां। साथ जनों से वीरी सपोर्टर्स ने इस प्रीमियर लीग को अपने नाम किया। हालांकि केसीसी कांजीगुल ने भी जबरदस्त टक्कर दी थी, 137 रन इन्होंने बनाए थे। हालांकि स्कोर थोड़ा कम था लेकिन बड़ी मेहनत इन्होंने भी की। इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि फाइनल में पहुंचना ही बड़ी बात होती है। इसलिए हमें इन्हें लूजर्स नहीं कहते, वी कॉल देम रनर्स अप, यानी जितने भी पीछे हारी हुई टीमें हैं उनके टॉप पे है इनकी टीम। तो ये जो लीग है इसको वीरी क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था तारबल के इस वेन्यू पे, और T20 फॉर्मेट में इसको खेला गया और टोटल इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनली वीरी सपोर्टर्स द चैंपियन ऑफ वीरी प्रीमियर लीग 2024। तो केसीसी कांजीगुल ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन का टारगेट दिया वीरी सपोर्ट्स को, और वीरी सपोर्ट्स ने ये टारगेट 7 विकेट अपने हाथ में रखे हुए ये टारगेट पूरा किया, जिसमें जीशान ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और साथ ही कामरान और दूसरे खिलाड़ियों ने भी अपना योगदान दिया। तो आज के जो हमारे फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे हमारे साथ है बीसीए बिजधारा क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन बशीर अहमद सलरू साहब एज द चीफ गेस्ट ऑफ द टुडेज फाइनल प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे साथ है वीरी के सीनियर क्रिकेटर मोहतरम बिट्टा मंजूर साहब, उनका भी खैर मकदम है। उसके बाद है सजाद सलाम साहब है, वीरी के क्रिकेटर रह चुके हैं। फारूक साहब, मास्टर फारूक साहब हमारे साथ है। फारूक अहमद परे साहब हमारे साथ है, उनका भी खैर मकदम। मोहम्मद सलीम भट्ट साहब है, इनका भी खैर मकदम। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब है और यूनुस न्यायकू है जो सीनियर क्रिकेटर है वीरी के। और साथ ही हमारे साथ है प्रेसिडेंट वीरी क्रिकेट एसोसिएशन मोहतरम तारिक मकबूल साहब। तो इससे पहले कि हम अवार्ड्स की ओर जाएंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको हम फेलिसिटेट करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो हमारे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है तारिक साहब वो सामने आएंगे, और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ तौसीफ रहमान को, वो सामने आएंगे और तारिक साहब इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एज ए टोकन ऑफ लव। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर सुहेल से कि वो सामने आएंगे और साथ ही तारिक साहब इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव। डॉक्टर अब्दुल वाहिद खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, साथ साथ ये अच्छे कमेंटेटर भी थे। उसके बाद मोहम्मद सलीम भट्ट साहब सामने आएंगे और साथ ही तारिक साहब इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा अब्दुल हमीद भट्ट साहब, अगर वो यहाँ पे है उनके बिहाव पे उनका बच्चा ले सकता है, तो तारे तौसीफ साहब उनके बिहाव पे ये मोमेंटो हासिल करेंगे। उसके बाद हमारे साथ है सीनियर क्रिकेटर वीरी के बिट्टा मंजूर साहब, वो सामने आएंगे और साथ ही तारिक साहब इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे। उसके बाद शोएब शफी से मैं गुजारिश करूंगा, एक्स क्रिकेटर शायद वो यहाँ पे नहीं है, सजाद सलाम उनके बिहाफ पे मोमेंटो हासिल करेंगे। उसके बाद बशीर अहमद सलरू चेयरमैन बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन, वो सामने आएंगे आज के हमारे चीफ गेस्ट, और तारिक साहब उनको एक मोमेंटो पेश करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव। उसके बाद सजाद सलाम से मैं गुजारिश करूंगा, वो सामने आएंगे। सजाद सलाम खुद क्रिकेटर रह चुके हैं तो बड़ी मेहनत करते हैं इस ग्राउंड पे। उसके बाद हमारे एक सीनियर ऑफिशियल है जो बड़ी मेहनत करते हैं हर मैच में, जावेद अली, जोरदार तालियां इनके लिए, काफी मेहनत करते हैं ये इस फाइनल को अंजाम देने में। उसके बाद सईद बशीर साहब, पिंटू के नाम से जो मशहूर है पिंटू, तो जावेद अली उनके बिहाफ पे लेंगे। उसके बाद आदिल रशीद अच्छा अच्छा आबिद आबिद रशीद सॉरी। उसके बाद हमारे ग्राउंड के उभरते हुए बॉडी बिल्डर रूप सलाम, रूप सलाम से मैं दो बातें करना चाहूं। रूप भाई, इस फिटनेस का राज क्या है?
उसके बाद हमारे साथ है आदिल मजीद साहब, वो भी सामने आएंगे। आदिल मजीद, आदिल मजीद सामने आएंगे और तारिक साहब इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, तो आप में गुजारिश करना चाहूंगा फारूक साहब से, फारूक शेख साहब वो यहाँ पे आएंगे। और साथ ही जो आज के हमारे ऑफिशियल थे मैच के, सबसे पहले थे समीर डार फ्रॉम बुरी, बेहतरीन ऑलराउंडर बुरी के, तो वो सामने आएंगे आज वैसे के ऑफिशियल, इन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए गिरी में। बहुत बहुत शुक्रिया समीर यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद हमारे दूसरे ऑफिशियल नासिर मकबूल, वो भी सामने आएंगे अगर वो है यहाँ पे। उसके बाद आज के सिक्योरर आदिल मकसूद, वो भी सामने आएंगे और अपना मोमेंटो फारूक साहब से हासिल करेंगे। उसके बाद आज के मैच के रेफरी जो थे, मैच रेफरी तारिक मकबूल, तो फारूक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको भी एक मोमेंट वो पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। तो इसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस रहे आज के इस मैच में, और मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड जाता है वो शेयर कर रहे हैं दो खिलाड़ियों के बीच में। एक खिलाड़ी ने 3 विकेट चटकाई और दूसरे ने 48 बनाए। मेहरान और जीशान दोनों एज मैन ऑफ द मैच शेयर करेंगे आपस में, और साथ ही मैं डॉक्टर वाहिद से गुजारिश करूंगा कि वो इनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पेश करेंगे। तो 500 रुपए का नकद भी इनको इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक जीशान और मेहरान। मेहरान एक उभरते हुए खिलाड़ी है हमारे गांव के। तो उसके बाद जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसमें अपना योगदान दिया है, लेकिन जो जूरी ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है आदिल रशीद इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो इन्होंने टोटल टूर्नामेंट में 150 रन बनाए और 8 विकेट चटकाई, और साथ ही मैं बिटा मंजूर से गुजारिश करूंगा कि वो उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी पेश करेंगे। आदिल रशीद हमारे गांव के चैंपियन खिलाड़ी है, तो हर मैच में इनका योगदान रहता है। आज भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया यहां पे और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो इसके बाद इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट बॉलर है वो है आरिफ मंजूर, 10 विकेट लेकर वो इस टूर्नामेंट में सरफिरिस्त है। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा मोहम्मद सलीम साहब से कि वो इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे एज ए इमर्जिंग प्लेयर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसके बाद हमारे साथ है यूथ न्यायिक साहब सीनियर क्रिकेटर, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो सामने आएंगे, और साथ ही मैं तारिक मकबूल से गुजारिश करूंगा कि वो इनको एक मोमेंटो पेश करेंगे वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। उसके बाद हिलाल बशीर का बड़ा कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, खासकर स्पॉन्सरशिप और जो ग्राफिक्स का काम था वो हिलाल बशीर ने किया, उनसे गुजारिश है वो सामने आएंगे हिलाल बशीर साहब। और साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा फारूक अहमद परे साहब इनको पेश करेंगे एक मोमेंटो वीरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। शाबाश शाबाश हिलाल के लिए। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो हमारी आज की रनर अप टीम है उनके खिलाड़ियों से एक एक करके आएंगे और अपना मोमेंटो यहां पे हासिल करेंगे, तो एक एक करके आएंगे, आखिर में कैप्टन आएंगे। तो तौसीफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनको मोमेंटो हैंड ओवर करेंगे, सारे खिलाड़ी एक एक करके आएंगे। खड़ा तो
तो अगर केसीसी कांजीगुंड की तरफ से कोई भी चीफ गेस्ट है या गेस्ट है तो वो सामने आ सकता है। तो मुदस्सिर साहब आएंगे, एक मोमेंटो हासिल करेंगे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो उसके बाद इस मैच को जिन्होंने सोशल मीडिया पे लाइव किया, फेसबुक पे हमारे जेके सपोर्ट्स एचबी से हमारे दो कमेंटेटर आए थे, उसमें जाहिद अफजल सबसे पहले सामने आएंगे और साथ ही मैं तौसीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको एक मोमेंटो पेश करेंगे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। उसके बाद दूसरे हमारे कमेंटेटर थे अरसलान बिलाल, तो वो भी सामने आएंगे और अपना मोमेंटो हासिल करेंगे तौसीफ साहब। तो उसके बाद इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट बैट्समैन है वो है उमर गुरु, वो सामने आएंगे, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, तो वो सामने आएंगे। और साथ ही मैं तारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड इनको पेश करेंगे। तो उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जावेद लोन जो हंसवाला से है, वो सामने आएंगे जिन्होंने 132 रन बनाए और 7 विकेट चटकाए पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा विनिंग टीम के खिलाड़ी एक एक करके आएंगे और साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा सलीम साहब और डॉक्टर फाइज से, वो दोनों प्रेजेंट करेंगे उनको मोमेंटो। तो खिलाड़ी एक एक करके आएंगे, कैप्टन लास्ट में आएंगे। Thank you.
शुक्रिया डॉक्टर साहब और सलीम साहब। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो रनर अप कैप्टन है वो सामने आए और अपनी ट्रॉफी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें करेंगे। आज क्या वजह रही आज आपकी टीम रनर अप रही, तो क्या प्लान था आज? जो पहले हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे वो फेल हो गया, चार विकेटों पे 5 रन थे, वही मेन वजह था। तो फिर मगर लास्ट में एक प्लेयर ने अच्छा खेला तो हमने समझा हम गेम में आ गए, फिर वीरी सपोर्ट्स ने बहुत अच्छा खेला इसीलिए हम हार गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वीरी सपोर्ट्स और वीरी क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में, इस यहाँ पे इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट्स अक्सर ऑर्गेनाइज करते हैं? हम तो रोज रोज यहाँ आते हैं खेलने के, यहाँ बहुत मजा आता है, वीरी की एसोसिएशन भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, इसीलिए हम दिन ब दिन यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह आप आएंगे और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, नो डाउट आज आपका दिन नहीं था, लेकिन उम्मीद करेंगे अगला टूर्नामेंट आपके नाम हो। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा बेटा मंजूर साहब से और तौसीफ से कि वो इनको रनर अप ट्रॉफी पेश करेंगे केसीसी काजी भी रनर अप प्रीमियर लीग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें लिखा है 26,000, जो आपने अनाउंस किया था वो 30,000 था, इसमें क्या था? 30-60 हुआ था, रनर अप 30 था, 60 था भी नहीं। हमने इसलिए यहाँ ये ली थी 16,000 फीस थे। हाँ, तो आपने ये 26,000, तो इसके बारे में आप टेंशन मत लो, आपको 30 मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो कमिटमेंट है उसको मतलब हम नहीं, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि एक बार रुको में घुसा। थैंक यू, टेंशन मत। तो मैं बिट्टा और साउसी से गुजारिश करूंगा कि वो ट्रॉफी पेश करेंगे। तो फाइनली जो आज के विनर है वीरी प्रीमियर लीग के, वो वीरी सपोर्ट स्टैंड के कैप्टन सामने आएंगे और साथ ही मैं चेयरमैन साहब की गुजारिश। तो आज जिन्होंने इस मैच को लाइव किया जीके सपोर्ट्स एचबी ने, तो उनके दोनों कमेंटेटर साहब सामने आएंगे और मोमेंटो हासिल करेंगे बिट्टा मंजूर साहब से, क्योंकि उनको छोटा मोमेंटो पेश किया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस मैच को लाइव करने के लिए, उम्मीद करेंगे आगे भी आप इसी तरह यहाँ पे आएंगे। और फाइनली जो आज के विनिंग कैप्टन है गौतम आर्य ऋषभ को जोरदार तालियों से इनका स्वागत, और साथ ही में बिट्टा से और तौसीफ से और तारिक मरहूम से गुजारिश करूंगा कि वो इनको, तो इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे। आदि भाई क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी टीम ने यहाँ पे जीत दर्ज की, वीरी प्रीमियर लीग को अपने नाम किया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ मैच देखने के लिए आए यहाँ पे, और जो सबसे मैं ये कप जो अभी लिफ्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं तारिक भाई और ये तौसीफ भाई और बिट्टा भाई वो यहाँ पे आए, क्योंकि उन्होंने इस लेगेसी को बरकरार कंटिन्यू किया और मुझे आज से 3 साल पहले कैप्टन बनाया, तो मैंने कोई टाइटल नहीं जीता था तक, तो आज मैंने ये टाइटल जीता, तो इसके हकदार ज़्यादा ये किया कि इन्होंने हमेशा मुझे बैक किया, मुझे इतना अच्छा प्लेयर बनाया, डिसिप्लिन सिखाया, हर कुछ सिखाया वो इनके बदौलत। आसिफ कामरान और ये आए ये मेरे बदले लिफ्ट करें, मैं डिजर्व नहीं करता जितना डिजर्व ये करते हैं। अच्छा आदिल भाई, आज की जो जीत है किसके सर आप इसका सहरा बांधना चाहेंगे? पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे डॉक्टर खुर्शीद वीरी जिन्होंने इलेक्शन जीता था, कि ये जो डेडिकेट करना चाहता हूं ये विन, तो ये मैं डॉक्टर खुर्शीद वीरी को ही डेडिकेट करना चाहता हूं। अच्छा आज की पार्टी कहां पर रहेगी, क्या वीरी के सभी लोग उसमें आमंत्रित होंगे? तो मैंने पिछले 3 दिनों से सब बोलेंगे यहाँ पे कि इन्विटेशन दी है कि जितना हम पकड़ेंगे हम पार्टी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद वीरी सपोर्ट्स को लीग अपने नाम करने के लिए, और मैं बशीर साहब तौसीफ साहब तारिक साहब और बिट्टा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको ये ट्रॉफी पेश करेंगे, वीरी प्रीमियर लीग की टाइटल ट्रॉफी, और साथ ही इसहाक सल्फी साहब अगर यहाँ पे है वो भी आएंगे सामने, इसहाक सल्फी साहब।